नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका पटेल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली जो कीट होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, चने की फसल में जब फूल आ जाते हैं और जब उसमें घेंटे बनने लगते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान चने की इल्ली के द्वारा किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि चने की जो इल्ली होती है उसको किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नाम की जो चने की इल्ली जो होती हैं दोस्तों, ये चने की किसी भी अवस्था में अटैक कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसान साथियों, अगर इसको समय पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फसल में 25 से 30% तक नुकसान पहुँचा सकती हैं। किसान भाइयों, ये जो चने की इल्ली होती है जिसको वैज्ञानिक भाषा में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो वयस्क पतंगा होता है वह अपने जीवन काल में 1000 से 1500 तक अंडे दे देता है। और किसान भाइयों, ये जो इसका पतंगा होता है वो हल्के पीले और भूरे रंग का होता है। उसके आगे के पंखों के ऊपरी सतह पर काले दूसरे रंग के धब्बे होते हैं और पंखों के ऊपर काले रंग की धारियां होती हैं। किसान साथियों, अगर इसको समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये 25 से 30% तक चने की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, ये जो चने की सुंडियां होती हैं ये 15 से 20 दिन तक ये चने की फसल की पत्तियों, फूलों और इसके जो घेटे निकलते हैं उनको खाती हैं। वैसे तो इस इल्ली का जो प्रकोप है चने की फसल में चने की प्रारंभिक अवस्था से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होता है जब हमारी चने की जो फसल में फूल और घेंटे निकल आते हैं, उस समय इस इल्ली के द्वारा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसको किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रण करने का तरीका भी आसान है। आप रासायनिक विधि से एमामेक्टिन बेंजोएट नाम की जो दवाई आती है आप उसको 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे और ये कीटनाशक इल्लियों के पेट में जाकर अपना असर दिखाती हैं और इल्लियाँ लकवाग्रस्त हो जाती हैं, यानी पैरालिसिस हो जाती हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट के स्प्रे के 1 घंटे बाद इल्लियाँ अपना खाना पीना बंद कर देती हैं और 3 से 4 दिनों में मर जाती हैं। और यह कीटनाशक काफ़ी सस्ता भी आता है। दोस्तों, आगे और भी खेती की अच्छी और खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।